जय श्री कृष्णा। यदि हम तुलसी माला को गले में धारण करें तो क्यों करें? एक वैष्णव को तुलसी माला गले में धारण क्यों करनी चाहिए? आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो तुलसी माला गले में धारण करना एक वैष्णव के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे प्रिय प्रीतम को पसंद होता है हम वही कार्य करते हैं। हम भौतिक जगत के अंदर भी यदि हम देखें तो एक विवाहिता जब जो स्त्री होती है जब उसका विवाह हो जाता है तो वो बिल्कुल वो ही कार्य करती है जो उसके पति को पसंद हो। तो जो हमारी प्रिया प्रीतम को पसंद है हम उसी चीज़ को धारण करते हैं, हम उसी चीज़ को पाते हैं। इसीलिए हमारी प्रिया प्रीतम को सब अत्यधिक पसंद जो है वो है तुलसी की माला। तो तुलसी की माला जब हम धारण करते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि हम भगवान के हो चुके हैं। तुलसी के बिना भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए भोग के अंदर भी हमें तुलसी दल डालकर ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। यदि हम इसके वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी सुविधा हमको दी है। तुलसी के अंदर ऐसे तथ्य हैं, ऐसे औषधीय गुण उसके अंदर हैं जो हमारे अंदर से कई सारी बीमारियों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि हम भगवान को भोग अर्पित करें तुलसी के साथ डाल करके और फिर उस प्रसाद को हम पाएँ तो वो हमारे शरीर में जा करके एक औषधि का काम करता है। और यदि हम बिना भोग लगाए पाते हैं तो वह एक औषधि का काम नहीं करता, उसका अर्थ है कि हमने एक तरीके से विष खाया है और वह हमारे शरीर को नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें भोजन करते हुए सावधान रहना चाहिए कि ये भोजन हमने भगवान को भोग लगाया है, अर्पित किया है या फिर नहीं किया। और तुलसी की माला यदि हम अपने गले में धारण करते हैं तो इससे परम शांति मिलती है, क्रोध कम होता है और ग्रह भी नियंत्रित रहते हैं। जिस प्रकार से जो समुद्र होता है उसमें तरंगें उठती रहती हैं, इसी प्रकार से जो हमारा मन है उसमें नाना प्रकार की वासनाओं की तरंग उठती हैं और उन सारी तरंगों को नियंत्रित करती है तुलसी की माला। इसलिए हमको ये अपने गले में धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला जब हम गले में धारण करते हैं तो कोई भी यम का दूत उसके निकट नहीं आ सकता, उस व्यक्ति के पास कोई भी यम का दूत नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अब वह व्यक्ति भगवान का हो चुका है। और जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है यम के दूत में सामर्थ्य नहीं कि उस व्यक्ति का स्पर्श भी कर सके। इसलिए तुलसी की माला हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुलसी की माला को गले में धारण करने से हमारा कंठ भी मधुर होता है, इसलिए तुलसी की माला हमको नित्य धारण ही करनी चाहिए। एक बार तुलसी की माला धारण करके हमको पुनः उस तुलसी की माला को अपने गले से उतारना कभी नहीं चाहिए, उसको सदैव अपने गले में धारण करके ही रहना चाहिए। अब तुलसी की माला जब हम धारण करें तो हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्याज, लहसुन या फिर बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो भोग में लगाई ना जा सके, क्योंकि जो भी वस्तु हम पाते हैं वह भोग लगकर ही भगवान के पास चली जाती है। इसीलिए हम जब तुलसी की माला धारण करते हैं तो कोई भी ऐसा पदार्थ, अभक्ष्य पदार्थ जो कि हमारे भक्ष्य के योग्य ना हो, ऐसा अभक्ष्य पदार्थ हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान को भोग में ना लग सके। हमको केवल वही सात्विक पदार्थ लेना चाहिए जो हमारी मन बुद्धि को शुद्ध करता हो। इसीलिए कहा भी गया है कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुव स्मृति। इसीलिए आहार यदि हमारा शुद्ध हो तो वो बहुत अच्छा है। इसे तुलसी की माला धारण करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें नॉन वेज से तो बिल्कुल हाथ लगाना ही नहीं है, और जो भी शास्त्रों में निषिद्ध बताए गए हैं भोजन उनको कभी करना ही नहीं चाहिए। मदिरा पान आदि इन सभी से हमको दूर रहना चाहिए। तो तुलसी की माला धारण करने से हम ये सब नियम जब लेंगे तब हम तुलसी की माला धारण करें, अन्यथा यदि हम तुलसी की माला धारण कर लेते हैं और कोई ये बताता है कि इससे यमदूत निकट नहीं आते और हम भगवत धाम चले जाते हैं और फिर उसके बाद भी आप यदि पाप करते हैं तो वो पाप दुगना होकर के आपको लगता है, और जब वो पाप दुगना होकर के आपको लगता है तो अनेक यातनाएं आपको भोगनी पड़ती हैं। तुलसी की माला धारण हमने की थी भगवान तक पहुंचने के लिए, अपने प्रिय प्रीतम को रिझाने के लिए, किंतु वही तुलसी की माला जब हमने पाप करे तो उस पाप के स्वरूप वो पाप जब डबल हो गए तुलसी की माला धारण करके तो उससे हमारा पतन हो जाता है। इसलिए तुलसी की माला तभी धारण करें जब आप वो नियमों को निभा सकें। यदि नियमों को निभाने का सामर्थ्य नहीं है तो धीरे धीरे उन नियमों का पालन करना स्टार्ट कीजिए। जब आप धीरे धीरे नियमों का पालन करना स्टार्ट करेंगे तब तुलसी की माला आप गले में धारण कर सकते हैं और भगवान से नित्य प्रेम कर सकते हैं, और भगवान को तुलसी का दल भोग में डालकर ही, प्रसाद में डालकर ही उनको पवाएं और आप पाएं, जिससे औषधीय गुण आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हों, जिससे कोई भी बीमारी आपको ना लगे। तो इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। जय श्री कृष्णा।